व्यूअर्स अस्सलाम वालेकुम, मैं फिर आ गई हूँ आपके लिए अपने किचन में। आज मैं बनाने वाली हूँ तुर्री। तुर्री आप जानते हैं किसे कहते हैं, सर्दियों में हम लोग इसे पीते हैं और हमारी सर्दी भाग जाती है। तो आज हम बना आपको बहुत ही आसान तरीके से बनाने के लिए बता रही हूँ। कोई ये नहीं कि आप इतना ये लीजिए वो लीजिए, कुछ नहीं। जब भी आपका दिल करे, आपके पास काजू बादाम हो, आप उसका बना लीजिए। अगर आज ज़्यादा ड्राई फ्रूट्स हैं आपके पास तो आप सब कुछ डाल लीजिए, नहीं है तो जो है बस आप उसका बना लीजिए। जैसे देखिए मैंने ये लिया है, 10 से 12 अखरोट लिया है, 10 से 12 काजू लिया है, और ये 10 से 12 मैंने बादाम लिया है, और मेरे पास ये किशमिश था, मैंने ये किशमिश भी ले लिया है। आपके पास जो भी हो आप वो ले लीजिए। और देखिए मैंने पोस्तूदाना भी लिया है, इसके लिए पोस्तूदाना भी इसमें डालते हैं। अगर आपके पास पोस्तूदाना नहीं है और आपको तुर्री पीने का दिल कर रहा है तो आप इसे स्किप करके, अगर आपके पास दलिया हो तो आप थोड़ा सा दलिया डाल लीजिए। मैंने 2 टेबल स्पून पोस्तूदाना लिया है, और इसके लिए ज़रूरत पड़ेगा आपको घी का और दूध का। तो ये देखिए दूध मुझे 6-7 कप बनाना है, तो मैंने 6 कप दूध लिया है, और ये ड्राई फ्रूट्स हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कैसे इसे बनाते हैं। पहले मैं ऐसे पीस लूँगी अच्छे से, पोस्तू डालकर ये ड्राई फ्रूट्स मैंने अच्छे से पीस लूँगी। हाँ ये देखिए मैंने इसे मिक्सर में डाल दिया है, अभी मैं पोस्तू भी इसमें डाल देती हूँ, और थोड़ा सा पानी डालकर इसे मैं पीस लेती हूँ। अब मैंने ये पतीला जैसे चढ़ा दिया है, अब मैंने इसमें घी डाल दिया। अब घी डालने के बाद मैं इसमें ये डालूंगी, घी हमारा थोड़ा सा, अगर आपके पास इलायची का पाउडर हो तो आप उसमें इलायची का पाउडर डाल दीजिए। मेरे पास अभी अवेलेबल नहीं है तो मैंने नहीं डाला। इलायची के पाउडर डालने से इसमें खुशबू आ जाता है, टेस्ट और अच्छा हो जाता है। मैं इसे इस तरह से भूनूंगी थोड़ी देर में। अब देखिए हमें इसे भूनते भूनते लगभग 1 मिनट हो चुके हैं, और ये उड़ता बहुत है इसलिए ध्यान से भूनना, ताकि उड़ के आपको पड़े ना लगे ना। इसे ध्यान से मैंने उस वक्त आधा घी डाला था, आधा मैं अभी डाल दे रही हूँ। मुझे लग रहा है कि इसमें घी की और ज़रूरत है, तो मैंने पूरा 2 टेबल स्पून इसमें भर के घी डाल दिया है। अब देखिए मुझे इसे भूनते हुए 6 से 7 मिनट हो गए हैं। ये हमारा देखिए बहुत अच्छे से भून गया है। अब मैं इसमें दूध डालूंगी, इसे दूध डालूंगी, इसे दूध डालूंगी, और उसके बाद इसकी मदद से मिलाऊंगी। अब देखिए मैंने ऐसे अच्छे से मिक्स कर दिया है दूध में। अभी मैं आपको दिखाती हूँ इस तरह से हो गया है, देखिए इस तरह से इतना गाढ़ा हो गया है। आप इसे चाहे तो थोड़ा और गाढ़ा कर सकते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा गाढ़ा अच्छा नहीं लगता, क्योंकि ये थोड़े जिस तरह से आप ढालने लगेंगे कप में तो ये और गाढ़ा होता जाएगा। अब मैं सिर्फ चीनी डालूंगी। कितने लोग शुगर के, मैंने पहले आपको चीनी नहीं दिखाया था, क्योंकि बहुत सारे लोग शुगर पेशेंट हैं, वो चीनी नहीं पीते हैं, तो आप उन्हें बिना चीनी के भी दे सकते हैं, लेकिन हमें थोड़ा सा मीठा चाहिए तो हमने इसीलिए इसमें चीनी डाला है। आप भी चीनी डालेंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, क्योंकि मीठा होता है तो ज़्यादा अच्छा लगता है, बच्चे भी पीते हैं, और जिनको चीनी की ज़रूरत नहीं है आप उन्हें बिना चीनी का बना कर दें, और हम अपने लिए आप चीनी का बनाएं। और मीठा अपने हिसाब से देख लें, मैंने इसमें 2 टेबल स्पून भर के चीनी डाला है, आप अपने हिसाब से मीठा देख लें। और इसका जैसे मैंने पीस करके इसे भूना मैंने घी में, और उसके बाद दूध डाल दिया, क्योंकि मुझे तुरंत बनाना था इसलिए मैंने दूध डाल दिया। अगर आपको रखना है तो आप इसे बनाकर उसे ठंडा करके आप इसे रख भी सकते हैं फ्रिज में। जब आपका दिल करे आप थोड़ा सा निकालें, घी में डालें, उसे अच्छे से मिक्स करें, आप दूध को चढ़ा दें, जब वो बॉयल हो जाए तो आप उसे उसमें चीनी डाल दें, जब वो बॉयल हो जाए तो आप उसे कप में ढाल कर पी लें। तो आप इसे रख भी सकते हैं। मैंने तो थोड़ा सा ड्राई फ्रूट्स लिया था, आप ज़्यादा ड्राई फ्रूट्स लेकर आपके पास और भी हैं
नारियल जैसे छुहारा भी बहुत सारे लोग डालते हैं, तो आप ये सब भी डालकर अच्छे से मसाला बना सकते हैं ज़्यादा, और उसको फ्रिज में रख दें 2-4 दिन, आप सुबह सुबह या शाम में जब भी आपको पीने का दिल करे आप उसे निकालें, दूध में उसे घोलें, चूल्हे पे चढ़ाएं, थोड़ा सा गाढ़ा करें, चीनी अपने हिसाब से डाल लें और फिर आप उसे कप में डालकर पी लें जब आपका दिल करे। देखिए मेरा ये हो गया है, मुझे अभी इसे ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना है क्योंकि मुझे ऐसा ही चाहिए। आपको अगर ज़्यादा गाढ़ा करना है तो आप ज़्यादा गाढ़ा कर लें, ठीक है? ओके।